इसराइल और हमास के बीच 12 दिन से युद्ध चल रहा है। 12 अक्टूबर से ही इसराइल गाजा पट्टी पर हमले की धमकी दे रहा है। वह गाजा पर ग्राउंड अटैक करेगा। साउथ बॉर्डर पर हथियार, गोला बारूद और टैंक्स के साथ करीब 1,00,000 इजरायली सैनिक तैनात हैं। 3,00,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को मोबिलाइज किया जा रहा है। IDF 13 अक्टूबर को फिलिस्तीनी लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने को कह चुका है। तभी से गाजा पट्टी पर कब्जे की चर्चा है। हालांकि जंग के 12वें दिन भी इसराइल जमीनी हमला नहीं कर पाया है। इस वीडियो में जानेंगे हमास को जड़ से खत्म करने के लिए क्या है इसराइल के ग्राउंड अटैक का प्लान, कौन सी मुसीबतें इजरायली सेना का इंतजार कर रही हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अटैक किया। उसके बाद इसराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसराइल लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि हमास का नेटवर्क पूरे गाजा पट्टी में फैला हुआ है। अगर गाजा पर कार्रवाई की जाती है तो इजरायली सेना इसे दो हिस्सों में बांट देगी, क्योंकि गाजा पट्टी के बीच में एक शहर पड़ता है दीर अल बलह, जो डिवाइडिंग पॉइंट बनेगा। लेकिन हमले से पहले इसराइल की सेना के सामने 7 बड़ी चुनौतियां हैं। गाजा पट्टी में 20,00,000 से ज्यादा लोग। गाजा में युद्ध ऐसी जगह लड़ा जा रहा है जहां पर आम लोग रहते हैं। यहां पर हॉस्पिटल, स्कूल हैं और इन्हीं जगहों पर हमास ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। ऐसे में सैनिकों को हथियार लेकर चलने में बड़ी मुश्किल होगी और ना ही इन जगहों पर सेना के टैंक जा सकेंगे। अगर गाजा में इजरायली सेना घुसी तो ये क्रूर वॉरफेयर का उदाहरण बने। गाजा पट्टी का इलाका 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 41 किलोमीटर लंबा है और महज 6 से 12 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। हमास के रॉकेट्स इसराइल के लिए बड़ी चुनौती। हमास के पास रॉकेट्स और मोर्टार का जखीरा है। खबरों के मुताबिक वो इस हमले की तैयारी पिछले साल से ही कर रहा है। हमास को लेकर 2021 में एक रिपोर्ट आई जिनमें दावा किया गया कि हमास के पास 8,000 रॉकेट हैं जिन्हें वे साल दर साल बढ़ाता जा रहा है। अगर इजरायल डिफेंस फोर्स जमीन के रास्ते गाजा पट्टी में घुसती है तो उसे एक कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। ड्रोन्स ने हमास के पंख लगाए। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया जिसके कई सारे वीडियो सामने आए। उनमें साफ दिखा कि हमास ने अच्छे तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, चाहे हथियार से लैस कमर्शियल ड्रोन हो या बम गिराने के लिए 4 रोटर ड्रोन हो। मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट का मानना है कि इसराइल के गाजा पर ग्राउंड अटैक के दौरान हमास के ड्रोन्स मुसीबत बढ़ा सकते हैं। गाजा में फैला हमास की सुरंगों का जाल। हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इनका इस्तेमाल वह हथियार की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, कमांड सेंटर के रूप में करता है। 2021 में इसराइल ने एक दावा किया कि उसने हमास की 100 सुरंगों को गर्क कर दिया है, जिस पर हमास ने दावा किया कि वह इसका 5% भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इसराइल में 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा रखा है। अगर इसराइल हमला करता है तो फोर्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित होगी। टैंक और बख्तर बंद गाड़ियों पर हमास के हमले। हमास के पास एंटी टैंक यूनिट हैं। इनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट प्रॉपलैंड ग्रेनेड की भरमार है। हमास के पास RPG-7 से लेकर RPG-29 तक है। इससे इजरायल सेना को काफी नुकसान होगा। हमास ने इलाकों में बनाए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। हमास ने शहरों में स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रखे हैं जिनमें शहर में बनी कंक्रीट और स्टील की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स शामिल हैं। इन बिल्डिंग्स में स्नाइपर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। इनके पास रॉकेट, मोर्टार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट प्रॉपलैंड ग्रेनेड से लेकर मशीन गन तक मौजूद होती है। इजरायली सेना के सामने गाजा पट्टी के मासूम लोग। हमास ने 2006 में गाजा पट्टी को अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद से हमास और इजरायली सेना एक दूसरे के आमने सामने कई बार आ चुकी है। लोगों के बीच ही उनके ठिकाने होते हैं। युद्ध के दौरान वे लोगों के बीच से ही हमला करते हैं। ऐसे में अगर इजरायली जमीनी हमला करते हैं तो उनके सामने फिलिस्तीन के आम लोग होंगे।
फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।